Hello everyone, welcome to 12th class tutorial. Today we will discuss about ideal and non-ideal solutions. Firstly, we will discuss about ideal. Ideal solutions. लास्ट में हमने रॉल्स लॉ दिया था, ठीक है. आइडियल क्या होते हैं? जो हमारे पास रॉल्स लॉ को ओबे करते हैं, क्लियर. क्या है हमारे पास? जो क्या करेंगे? रॉल्स लॉ को ओबे करेंगे. मीन्स वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मोल फ्रैक्शन, क्लियर. सॉल्यूशन लेना है तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट लेंगे. मान लो हमारे पास पी ए है, सॉल्यूट, इसका वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन है. आगे हमने क्या लिखा था? प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, क्लियर, इनटू एक्स ए. ऐसी बी का लिख लेंगे हम पी वी नॉट एक्स बी, क्लियर. टोटल प्रेशर आ जाएगा हमारे पास पी ए प्लस पी वी. इसमें पी ए पी वी में ये वाली 1 2 की वैल्यू क्या कर दो? पुट कर दो. पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1 and 2, क्लियर. तो हमारे पास क्या आ जाएगा? पी इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी वी नॉट एक्स बी. मीन्स आइडियल सॉल्यूशन है जो, वो क्या करेंगे हमारे पास? रॉल्स लॉ को क्या करेंगे? ओबे करेंगे. नॉन आइडियल आइडियल के बिल्कुल ओपोजिट है, क्लियर. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या है हमारे पास? ए ए बी बी कंपोनेंट्स हैं, क्लियर. क्या है? कंपोनेंट्स हैं हमारे पास. इनमें इंट्रेक्शन होनी है, आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म होना है. इसमें से क्या करेगा? पहले ए ए ब्रेक होगा, बी बी ब्रेक होगा, तो हमारे पास दोनों में से क्या आ जाएगा? ए प्लस बी बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, सॉरी ए बी बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, क्लियर. जो हमारे पास ये वाले बॉन्ड की स्ट्रेंथ है, बॉन्ड स्ट्रेंथ है, जब बोल सकते हो बॉन्ड अट्रैक्शन है, वो सेम होगी एज इज, सेम एज ए ए एंड बी बी अट्रैक्शन. बात समझ में आ गई? इट मीन्स जो ए बी का पेपर प्रेशर होगा वही हमारे पास सेम होगा, किसके जैसे? ए ए और बी बी के जैसे. इट मीन्स ना तो इसके वेपर प्रेशर में कोई चेंज आया है. वेपर प्रेशर क्या रह रहा है? वेपर प्रेशर क्या रह रहा है? सेम. अट्रैक्शन सेम है, मीन्स जितनी अमाउंट यहाँ पे थी उतनी अमाउंट यहाँ पे होगी हमारे पास सॉल्यूशन में. इट मीन्स वॉल्यूम भी हमारे पास क्या रह रहा है? सेम. इट मीन ना ही हमारे पास कोई एनर्जी का चेंज आया है. सेकंड पॉइंट में हम क्या रखेंगे? एंथैल्पी मिक्सिंग क्या होगी? मीन्स जब इन दोनों को, कंपोनेंट्स को मिक्स किया, ए वी फॉर्म हुआ, तो एंथैल्पी में कोई भी चेंज नहीं आया, क्लियर. वो क्या रह रही है हमारे पास? सेम रह रही है, नो चेंज इज इक्वल टू जीरो. एंड वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं आया, तो ये भी क्या हो गया हमारे पास? सेम. ड्यू टू नो चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ इंट्रेक्शन, जब इसमें कोई इंट्रेक्शन ही नहीं चेंज हुई, क्लियर, तो इसमें हमारे पास ना ही एंथैल्पी चेंज हुई है, ना ही हमारे पास क्या चेंज हुआ है? वॉल्यूम, क्लियर. इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन. नॉन आइडियल सॉल्यूशंस आर टोटली ऑपोजिट टू आइडियल सॉल्यूशंस. आइडियल क्या करते थे? रॉल्स लॉ को ओबे करते थे. ये क्या नहीं करते हमारे पास? डू नॉट ओबे रॉल्स लॉ, क्लियर. इट मीन्स पी ए
doesn't equal to PA naught, next PB not equal to PB not x. Clear? Total wave pressure ले लेते हैं. P is equal to PA plus P B. ये भी equal नहीं होगा. इसमें value put कर दीजिए. PA not x plus PB not x. It means non-ideal solution do not obey Rolle's law. Second point देखिए, जब ideal में bond formation होती थी तो क्या था, जो AB में bond बनता था same था AA और BB interaction के साथ. Means तीनों में interactions क्या थी, same थी. बट नॉन आइडियल में क्या होगा, हमारे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन में ये वाली इंटरेक्शंस क्या होगी, हमारे पास डिफरेंट होगी. हो सकता है ए बी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो सकता है ए बी बॉन्ड हमारे पास क्या हो, वीक हो. दोनों ही पॉसिबिलिटीज हमारे पास हैं. उसके लिए आगे हम करेंगे, टू एग्जांपल्स लेके समझाएंगे. अब देखिए, बॉन्ड जो हमारे पास बॉन्ड बना वो भी क्या हो गया, चेंज हो गया, फोर्सेस चेंज हो गई. इट मींस जो हमारे पास वेपर प्रेशर है वो भी क्या होगा, या तो क्या पॉसिबिलिटी है उसकी, हाई हो सकता है या फिर हमारे पास क्या हो सकता है, लो. क्लियर? दोनों पॉसिबिलिटीज हम करेंगे, स्ट्रॉन्ग वीक की भी और वेपर प्रेशर की हाई और लो की भी. क्लियर? इट मींस ओवरऑल कंक्लूजन क्या आएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन डू नॉट ओबे रॉल्स लॉ. क्लियर? सेकेंड पॉइंट, जब इसके बॉन्ड फॉर्मेशन में चेंज हो रहा है तो एंथैल्पी में भी क्या आएगा, चेंज आएगा, नॉट इक्वल टू जीरो. आइडियल में इक्वल टू जीरो थी, मींस एंथैल्पी में हमारा कोई भी चेंज नहीं आ रहा था. बट नॉन आइडियल में एंथैल्पी क्या होगी, नॉट इक्वल टू जीरो. हो सकता है एंथैल्पी इंक्रीज हो जाए, हो सकता है एंथैल्पी क्या हो जाए हमारे पास डिक्रीज. थर्ड पॉइंट, वॉल्यूम भी क्या होगा हमारे पास, नॉट इक्वल टू जीरो. इट मीन्स वॉल्यूम क्या होगा हमारे पास, चेंज होगा, या तो इंक्रीज होगा या फिर हमारे पास क्या होगा, डिक्रीज. नेक्स्ट हम करेंगे टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन. इससे आपको क्लियर हो जाएगा टाइप में से भी किसमें एनर्जी ज्यादा होगी, किसमें एनर्जी कम होगी, किसमें वॉल्यूम इंक्रीज होगा, किसमें वॉल्यूम क्या होगा हमारा, डिक्रीज होगा. फर्स्ट टाइप इज पॉजिटिव डेविएशन, सेकेंड इज नेगेटिव डेविएशन. क्लियर? फर्स्टली देखिए, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ. हमने क्या किया था, नॉन आइडियल में क्या डिस्कस किया था, मीन जो हमारे पास ए बी इंटरेक्शंस होंगी वो क्या होंगी, डिफरेंट होगी. फर्स्ट केस कर रहे हैं हम पॉजिटिव का. इट मीन जो ये वाली हमारे पास ए बी इंटरेक्शंस हैं वो क्या होगी, पॉजिटिव में वीक होगी. कैसे, किसके कंपैरिजन वीक, देन ए ए एंड बी बी इंटरेक्शन. इट मीन्स जो हमारे पास सोल्यूशन बन रहा है उसमें बॉन्ड क्या है, वीक है. क्लियर? फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया. क्लियर? सेकेंड देखो, अगर ये वाला बॉन्ड वीक है, इट मीन्स अगर इस सोल्यूशन को हम बॉइल करेंगे तो इसके वेपर्स क्या बनेंगे, वेपर्स इजिली फॉर्म होंगे. क्लियर?
इट मींस पेपर से ज्यादा भी बनेंगे एंड उतना ही हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा इसका पेपर प्रेशर. क्लियर? इट मींस इसका पेपर प्रेशर क्या होगा हमारे पास मोर. ये बात समझ आ गई. ए बी इंटरेक्शन क्या है हमारे पास? बी के ए और बी बी के कंपैरिजन. इट मींस ए बी का जो सॉल्यूशन फॉर्म हुआ उसके पेपर्स इजिली फॉर्म होंगे और ज्यादा फॉर्म होंगे एज कंपैरिजन टू ए ए एंड बी बी कंपोनेंट्स. क्लियर? इट मींस जो हमारे पास सॉल्यूशन बना है उसका पेपर प्रेशर भी क्या होगा हमारे पास मोर. क्लियर? क्यों होगा? क्योंकि हमारे पास ए ए इंटरेक्शन वीक बॉन्ड क्या हो जाएगा इजिली ब्रेक हो जाएगा. क्लियर? इजिली ब्रेक हो गए इजिली हमारे पास पेपर्स बनेंगे और जितने ज्यादा पेपर्स बनेंगे उतना ज्यादा हमें क्या करना पड़ेगा पेपर प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा. क्लियर? सो पेपर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है इट मींस हमारे पास क्या होगी पॉजिटिव डेविएशन. उसके आगे देखिए मैथमेटिकली एक्सप्रेशन हमारे पास फिर इसके लिए क्या होगी पी ए की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन है. इट मींस पेपर प्रेशर क्या हो गया हमारे पास इंक्रीज. प्योर के कंपैरिजन ये वाला हमारे प्योर के कंपैरिजन हमारे पास सॉल्यूशन का पेपर प्रेशर क्या होगा ज्यादा ज्यादा से ज्यादा हमारे हमें क्या करना पड़ेगा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा. क्लियर? बी का भी क्या होगा हमारे पास पेपर प्रेशर मोर एज कंपैरिजन टू कंपोनेंट प्योर कंपोनेंट ऑफ बी. इट मींस टोटल प्रेशर कितना हो गया हमारे पास पी ए प्लस पी बी. ये भी क्या होगा हमारे पास ग्रेटर. क्लियर? पी ग्रेटर देन पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी. क्लियर बेटा? अब ग्राफ में देखते हैं हमने रॉल्स लॉ का ग्राफ किया था एक्स वन कंपोनेंट के लिए अगर इसका मोल फ्रैक्शन वन है तो बी का क्या था हमारे पास जीरो. अगर ए का जीरो है तो हमारे पास बी का कितना होगा वन. इसके लिए प्रेशर देख लेंगे पी डी नॉट प्योर के लिए और पी ए नॉट. क्लियर? और ये किसका था हमारे पास सॉल्यूशन का था. क्लियर? अब देखिए हमारे पास जब पॉजिटिव डेविएशन हो रही है इट मींस पेपर प्रेशर क्या हो रहा है इंक्रीज. ये किसे रिप्रेजेंट करेगा हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन. क्लियर? सॉल्यूशन का भी इंक्रीज हो रहा है. क्लियर बेटा? ये लाइन किसके रिप्रेजेंट कर रही है मींस जो टोटल पेपर प्रेशर है वो क्या हो रहा है हमारा इंक्रीज हो रहा है. क्लियर? ये पी बी का ये पी ए. नेक्स्ट एग्जांपल देखिए पॉजिटिव डेविएशन की. इसमें हम कौन सी एग्जांपल ले सकते हैं इथाइल अल्कोहल एंड साइक्लोहेक्सेन. अब हमें पता है अल्कोहल है अल्कोहल में कौन सी बॉन्डिंग होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो क्या होती है स्ट्रॉन्ग. ठीक है? एक बार अल्कोहल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर ब्रेक होगी हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होके इसने साइक्लोहेक्सेन के साथ क्या बना लिया बॉन्ड बना लिया. क्लियर? साइक्लोहेक्सेन के साथ जो बॉन्ड बनेगा चाहे वो हाइड्रोजन बॉन्ड ही हो बट वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा जितना कि हमारे पास कौन सा है पहले इथाइल अल्कोहल का था. इट मींस जो इथाइल अल्कोहल और साइक्लोहेक्सेन में बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड होगा अब
वीक बॉन्ड बनेगा। क्लियर, वीक बॉन्ड बनेगा। इट मींस उसके बॉन्ड को हम इजिली क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। इजिली उसके क्या बनेंगे, वेपर्स बनेंगे। इट मींस उसका वेपर प्रेशर क्या होगा हमारे पास, हाई। क्लियर बेटा, बात समझ में आ गई। क्योंकि इथाइल अल्कोहल की स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखते हैं, C2H5 साथ में OH, सेकंड के साथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन C2H5। ठीक है, मान लो हमने ये वाला इथाइल अल्कोहल क्या कर दिया, हटा दिया, यहाँ से बॉन्ड को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ पे हमने C6H5 को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो ये इथाइल अल्कोहल जो इसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा वो क्या होगा हमारे पास, वीक बॉन्ड बनेगा। क्लियर, तो ये क्या होगी हमारे पास, पॉजिटिव डेविएशन। एंड ये वाली जो रिएक्शन होती है वो हमारे पास होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्यों, क्योंकि हमारे पास जो इथाइल अल्कोहल का बॉन्ड है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने के कारण इसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, सराउंडिंग में से सम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, रिक्वायर करनी पड़ेगी, ताकि इजिली बॉन्ड क्या हो सके, ब्रेक होके साइक्लोहेक्सेन के साथ बॉन्ड क्या कर सके, फॉर्म कर सके। सो जिसमें हम एनर्जी देते हैं बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, वो कौन सी रिएक्शंस होती हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इट मींस पॉजिटिव डेविएशन रिएक्शंस कौन सी होगी हमारे पास, मींस जो सॉल्यूशन फॉर्म होगा वो कौन सी है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, मींस एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्लियर, और सेकेंड पॉइंट, जब हमारे पास सॉल्यूशन फॉर्म हुआ, ए बी इंटरेक्शंस हुई, तो बॉन्ड क्या था, वीक था। इट मींस पेपर्स ज्यादा बने हमारे पास, पेपर्स ज्यादा बने, इट मींस वॉल्यूम क्या हो गया हमारे पास, इंक्रीज हो गया। क्लियर, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, वॉल्यूम की डेविएशन भी क्या होगी हमारे पास, डेल्टा वी मिक्स इजिकल क्या होगा, ग्रेटर। क्लियर, किसके कंपैरिजन, जो हमारे पास स्टार्टिंग में ए ए और बी बी का वॉल्यूम था उसके कंपैरिजन क्या होगा, ज्यादा। तो ये भी कौन सी डेविएशन होगी हमारे पास, पॉजिटिव। क्लियर बेटा, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं नेगेटिव डेविएशन। देखिए नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन ऑपोजिट है हमारे पॉजिटिव डेविएशन के। ठीक है, जैसे अगर आपको पॉजिटिव अच्छे से समझ आ गई तो नेगेटिव भी क्या हो जाएगी आपके लिए, इजीली इजी हो जाएगी समझने के लिए। क्लियर, इसमें देखिए हमारे पास उसमें क्या थी, जो ए बी इंटरेक्शन थी वो वीक थी, नेगेटिव में हमारे पास क्या होगी, ए बी इंटरेक्शन क्या होंगी, स्ट्रॉन्ग। मीन्स जो सॉल्यूशन में बॉन्ड बनेगा, क्लियर, वो क्या होगा हमारे पास, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। इट मीन्स ए ए और बी बी इंटरेक्शन क्या है हमारे पास, वीक है, वीक बॉन्ड है इसपे, किसके कंपैरिजन, ए बी के कंपैरिजन। सॉल्यूशन का वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया, ये भी क्लियर हो गया भी इसके पेपर्स क्या बनेंगे, अब लेस पेपर्स लेस हो गए। इट मींस प्रेशर, जो हमारे पास पेपर प्रेशर है वो भी क्या होगा हमारे पास, लेस होगा, पी का लेस देन प्योर के कंपैरिजन लेस होगा, पी बी का भी क्या होगा, प्योर के कंपैरिजन हमारे पास लेस होगा। क्लियर,
सेकेंड थिंग, वेपर प्रेशर लेस है, इट मींस कम प्रेशर डाल रहे हैं तो वॉल्यूम भी हमारे पास है, वॉल्यूम भी हमारे पास क्या होगा, लेस। क्लियर? क्योंकि बॉन्ड हमारे पास क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया। बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने के कारण ए बी का बॉन्ड क्या है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग होने के कारण जो पार्टिकल्स हैं क्लोजली टाइटली पैक्ड होंगे, टाइटली पैक्ड जितने ज्यादा होंगे उतना उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारे पास, डिक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम लेस इट मीन्स इसमें क्या आ गई, नेगेटिव डेविएशन। क्लियर? इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं एसीटोन की, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। इसको हम जब मिक्स करेंगे तो हमारे पास जो भी मिक्स करके जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी जो न्यू बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो गया मीन्स स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रही है इसमें। क्या बन रही है इस दोनों में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो इसको एस्केप करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी रिक्वायर करनी पड़ेगी, तो इसके वेपर्स भी क्या हो गए हमारे पास, सिर्फ कम, वेपर्स लेस बनेंगे। क्लियर? वेपर्स लेस बन गए, इट मींस प्रेशर भी क्या हो गया हमारे पास, लेस। तो पॉजिटिव पे हमारे पास डेल्टा एच क्या थी, हमें देनी पड़ती थी एनर्जी बॉन्ड तोड़ने के लिए, बट अब हमारे पास जो ए बॉन्ड है और ए और बी भी बॉन्ड है, ये क्या है, वीक होने के कारण हमें बाहर से कोई भी एनर्जी रिक्वायर नहीं करनी पड़ेगी। सो हमारे पास डेल्टा एच क्या होगी, नेगेटिव। मीन जब ए बी बॉन्ड फॉर्म होगा तो एनर्जी रिमूव होगी, बाहर निकलेगी। तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया हमारे पास, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्लियर बेटा? सेकंड पॉइंट देखिए, अट्रैक्शंस बढ़ गई तो पहली हमारी बात होगी वॉल्यूम भी क्या होगा हमारे पास, डिक्रीज होगा। क्लियर? सो हमारे पास वॉल्यूम क्या हो गया, मिक्सिंग डिक्रीज। ये थी हमारी नेगेटिव डेविएशन। क्लियर?